बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो जी, मामा की ना काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मामा की आज कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मामा वैसे दवाई लेने जा नहीं थी रही हैं, आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैं कहा चलें दवाई ले गए थे, पहले माँ नहीं थी रहे, बाद में पापा भी नहीं थे घर पर, बाइक नहीं थी यार, तो पापा गए घर पर। तो फिर मैंने बाइक ली, मैंने कहा नहीं अब जाना है, मैं कहा चलते हैं दवाई ले के दें हम, इससे पहले और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो हम यहाँ पे आ गए शालीमार हॉस्पिटल, हम आए हैं, ये देखें यहाँ का व्यू सारा ये है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, और वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पे फिर शोर वगैरह होता है, फिर आवाज़ क्लियर भी नहीं आती है कभी, साथ में हॉस्पिटल में मरीज़ वगैरह होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता बंदा। तो ये देखें जी, ये हॉस्पिटल की एड्रेस है, अभी यहाँ से हमने स्लिप बनवानी है। तो ये भाई ने यहाँ पे स्लिप बना के देनी थी, इनसे स्लिप बनवाई है। तो मैं अभी बाहर बाइक ही लगाने गया था, तो छोटे से मैं मामा को कैमरा ऑन करके दिया था, मैं कहा रिकॉर्ड कर दें, ताकि इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली है, वीडियो डाल के बताएं तो सही, जिस वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही हमारी, जो इशूज़ बने हैं। तो ये मामा जा रही थी, अभी आगे आ गई यहाँ पर, अभी मामा ने अपना बीपी चेक करवाना है। बस अब दुआ करें मेरी मामा के लिए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फिर हम मज़े मज़े के अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाएंगे आपस में। अभी मम्मा यहाँ पे बैठने लगी हैं, तो यहाँ पे होगा बीपी चेक। ये जी बीपी चेक हो गया मामा का, और अब मामा ये उतार के इसको साइड पे रखने लगी हैं, और फिर अब मामा ये रख दिया साइड पे, और अब करेंगी मामा अपना वेट, उन्होंने वेट भी पूछा था। तो यहीं से चेक करवा के फिर अभी हम डॉक्टर के आगे चले जाएंगे। ऊपर से रात को बारिश भी इतनी काफ़ी तेज़ हो रही थी, जिसकी बारिश की वजह से बारिश में मामा को लेके आया था काफ़ी, फिर रात भी हो गई थी बारिश की वजह से, क्योंकि वो फिर आपको पता है कि रोड्स पे पानी होता है, फिर बाइक स्लिप ना हो जाए, बाइक पे जाना था। ऊपर से तबीयत मामा ख़राब थी, सर्दी आ गई, मेरा सर्दी मैं का ना लग जाए गर्मी में। तो अभी यहाँ से मामा बात कर रही थी, फिर अभी हम आगे जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये अब हम आ गए हैं फीमेल वार्ड में, ये सामने मामा बैठी हुई हैं यहाँ पे, इधर अभी उन्होंने डॉक्टर ने आना है, डॉक्टर चेक करेंगे फिर बताएंगे क्या इशू है। ये जी डॉक्टर आ गए हैं, और ये अब मामा से पूछ रहे हैं कि ये क्या बता, मामा बता रही हैं उनको कि क्या क्या हुआ है। बस आप लोग दुआ करें जल्दी जल्दी मामा ठीक हो जाए, बड़ी ना परेशानी बनी हुई है घर में भी, इसी वजह से मामा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा दिनों से ख़राब है। तब भी कह रहे थे दवाई लेने चलें चलें, तो नहीं थी उठते हैं आप, ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है तो देखें कहाँ पे आ गए। अब ये डॉक्टर ने यहाँ पे मुझे बना के दिया है, ये डॉक्टर दवाई लिख के दे रहे हैं, ये लाकर ड्रिप्स और वो इंजेक्शंस लिखे हैं उन्होंने, वो लेके आने अभी जाके मैंने। तो ये देखें ना इंजेक्शंस और वो क्या कहते हैं ड्रिप्स मैं ले आया था, तो ये मामा यहाँ पर लेटी हुई हैं। मैंने कहा आप लेट जाएं, आप ज़रा रेस्ट करें, अभी वो क्या कहते हैं नर्स बिज़ी थी, तो वो उन्होंने अभी आके लगाने थे ना। तो ये मैं कहा चलें साथ वीडियो रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो फिर आके वॉइस ओवर ही करना पड़ना था, क्योंकि यहाँ पे देखना है एक तो, या तो फिर अलाउ भी नहीं होती हैं इस तरह की चीज़ें। साथ में मामा से मैं कहा चलें बताते हैं आपको, अभी यहाँ पे मामा को अभी ड्रिप्स और वो जो पहले बर्नोला लगाएंगे फिर वो ड्रिप्स लगाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें जी मामा लेटी हुई हैं, पता नहीं किस चीज़ की नज़र लग गई है, ईद की, ईद से पहले, ईद की चांद रात की लगी हुई है, पहले दादू बीमार हो गई चांद रात को, तो वो हॉस्पिटल में, उसकी वजह से पहले लोग नहीं रहते 7-8 दिन वो नहीं है हॉस्पिटल, मामा भी उधर जाती रही हैं 7-8 दिन, तो वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो वहाँ से फ्री हुई हैं, मतलब कि उनकी तबीयत सही हुई है तो घर आई हैं, तो आगे से मामा बीमार हो गई हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर नर्स वो कहते हैं इंजेक्शन और वो बना रही थी।
ये देखे जी, वो पहले वो दूसरे हाथ पे चेक करने लगी थी, मम्मा की वेन ही नहीं नज़र आई। यहाँ पे पहले उसने बांध दिया तार, तो वेन चेक करने लग गई, उसको वेन ही नहीं थी उसमें हाथ पे मेरी। फिर उन्होंने दूसरे हाथ पे की चेक, दूसरे हाथ पे मिल गई थी। ये देखे यहाँ पे, अब वो पहले बर्नौला लगाएगी, लगाने लगी है। ये आपके साथ शेयर करते हैं, ये देखें जी बर्नौला लग गया। अब वो इंजेक्शन्स लगाने लगी है, ये टेप लगा के ना, पहले बर्नौला लगा के उसने टेप लगाई, अब वो लगाएंगे इंजेक्शन्स। ये देखें जी, ये अब जो लगा रही है इंजेक्शंस, दो इंजेक्शन उन्होंने लगाए थे, एक ये और एक आगे जाके एक और एक, मतलब इसी के फौरन बाद एक दो इंजेक्शन हो गए। फिर उन्होंने दो ड्रिप्स लगाई थी, इनको छोटी ड्रिप्स होती है ना जो, वो लगी थी। बस यही सारी पर ईद से पहले की परेशानी बनी हुई है घर में। ये देखिए, ये दूसरा वाला लगाने लगे हैं। ये देखें जी, ये अब मम्मा लेटी हुई हैं, उनको ड्रिप लगी है, तो मैं वो देखकर आराम से आंखें बंद करके लेटे थे, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी स्क्रीन क्लिप ले लिया। ये देखें, मैं बुखार चेक कर रहा था, बुखार आया था ना इन काफ़ी ज़्यादा। मैं क्या करें यार, दुआ करें बस आप जल्दी जल्दी बस मामा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? मेरे लिए भी तो सब दुआ करें, मैं भी ठीक हूँ। दो ड्रिप्स एक लगी है, एक जी उनकी ट्रिप कम्प्लीट हो गई है, तो वो उतारने लगे थे। मैं कहा यहीं पे ज़रा कर देते हैं अभी, फिर ये उतारते हैं, फिर बस मेडिसिन लिखवा के फिर मैं घर जाते हैं। मम्मा कह रहे थे, मैं कह रास्ते में रुक के जूस वगैरह पी लो। नहीं पीना, नहीं पीना, सुनते भी तो किसी की नहीं ना है। अब बंदा कहते रहा करनी, उन्होंने भी मर्जी होती है। अब इतने दिनों से जब कह रहा था हॉस्पिटल चले चले चले, दवाई लें दवाई लें, तब नहीं लिया, अब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ये देखें जी, अब हम यहाँ पे क्लिनिक्स पे आ गए हैं, यहाँ से दवाई लेनी है, यहाँ से दवाई लेके तो फिर अब क्या कहते हैं घर चले जाएंगे। घर जाके मैं उनको ये कहता, मैं कहा जाके रेस्ट करो, आप रेस्ट करो ताकि तबीयत सही हो, फिर मैं काम वगैरह तो होते ही रहेंगे साथ साथ। यहाँ से ही दवाई लेनी थी हमने। ये देखे मामा घर आ गई हैं। हाँ जी, ऐसा फील कर रहे हो? बस अच्छा फील कर रही हूँ, अल्लाह पाक सेहत दे, सेहत भाई बहुत अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना। बस काफ़ी दिनों से मैं ना ऊपर नीचे हो रही थी, आज ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे ले गए हॉस्पिटल शालीमार, दो ड्रिप्स लगी हैं, तो पैसे भी लग गए हैं, शायद अब पैसे लग गए हैं, ठीक हो जाओ। पैसों की नहीं टेंशन लेते, कोई नहीं सही हो जाओ बस। हाँ इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। बाकी व्लॉग तो मैं बना ही नहीं सकी दो तीन दिन से। अल्लाह पाक आप लोगों को मुझे सबको खुश रखे। मोइज ही बना रहा था, पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।